सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो नंबर सिस्टम हमारा 6 मार्क्स का होने वाला है, अलजेब्रा हमारा 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री हमारी होगी 15 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री होगी 12 मार्क्स की, एंड मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, और 11 मार्क्स का हमारा स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हमारा अलजेब्रा से आने वाला है आपका, ठीक है। सो रियल नंबर्स की बात करें, रियल नंबर्स पहला नंबर सिस्टम है, रियल नंबर पहला चैप्टर होगा, ठीक है, जिसमें हमारा इरेशनलिटी प्रूफ करनी होगी, √3, √2 और √5 की, ठीक है, ये प्रूफ आता है हमेशा। और फिर अलजेब्रा में हमारा पॉलीनोमियल हो जाएगा, जिसमें हमें जीरोस और कोफिशेंट के बीच की रिलेशंस एंड जीरोस फाइंड करने को आ जाते हैं। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सो ये आपको कवर करने होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमें नेचर फाइंड करने को आ जाते हैं रूट्स के, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। और फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें हमें एपी के बारे में पढ़ना होता है, सम ऑफ एपी एंड nth टर्म निकालना होता है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाता है, जिसमें हमें ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना होता है, और सेक्शन फार्मूला यूज़ करना होता है। फिर हमारा आता है ज्योमेट्री, जिसमें हमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें वेरियस प्रूफ होते हैं। तो ये सारे प्रूफ्स आपको कवर करने होंगे जो भी आपको इसमें गिवन हैं, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद आता है हमारा सर्कल, सर्कल में हमारा आ जाता है टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो ये प्रूफ दे रखे हैं आपके, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज आर इक्वल लाइक दिस। दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो दोनों टेंजेंट होंगे एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने बनाए हैं, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये ऐसे प्रूफ्स आपके आएंगे। फिर आ जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो जाएगा, एंड हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ये ट्रिग्नोमेट्री में आपके आएंगे 10 मार्क्स के। मेंसुरेशन आ जाता है हमारा, जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमें हेमिस्फेयर भी आ गया है हमारा, और सर्कुलर सिलेंडर एंड कॉन्स भी आपका इंक्लूड कर दिया गया है, और क्यूबॉइड है, क्यूब्स है, स्फेयर्स है, ये सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाएगी। फिर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमारा मीन, मीडियन, मोड और ग्रुप डेटा, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी में हमारा आ जाएगा सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी कि प्रोबेबिलिटी सबसे ईजी चैप्टर मैं कह सकता हूँ पूरे 10th क्लास के, तो क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। फाइन, सो होप यू लाइक इट गाइज। सो दिस इज़ द फुल सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथ, होप यू लाइक इट, एंड ये आपको चीज़ कवर करनी होगी, और 20 मार्क्स का हमारा असेसमेंट होगी, ठीक है, एंड इंटरनल असेसमेंट, जिसमें 5 मार्क्स के आपके दो असेसमेंट होंगे, एग्ज़ाम होंगे पेन पेपर वाले, एंड एक होगा पोर्टफोलियो और एक होगा लैब एग्ज़ाम 5 मार्क्स। तो दैट्स इट, होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।